हमने डिस्क्रिमिनेटर मॉडल्स पढ़े हैं, जनरेटिव मॉडल्स की अभी तक बात नहीं की। डिस्क्रिमिनेटर मॉडल क्या है बेसिकली? जैसे क्लासिफिकेशन वाले मॉडल्स, ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो मॉडल्स हमने डिस्कस किए उन्हें डिस्क्रिमिनेटर मॉडल कहते हैं। मतलब क्या, आप कोई इनपुट एक्स देते हैं, वो मॉडल क्या करते हैं, वो इनपुट एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक लेबल प्रोड्यूस करके देते हैं, वाई प्रेडिक्ट करके देते हैं कि ये जो इनपुट थी ये कैट थी या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन कैट डिटेक्टर अगर आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, समझ आ रही है ना बात? तो आज हम जनरेटिव मॉडल्स की बात करेंगे कि जो बेसिकली क्या करते हैं, आप उसे एक इनपुट देंगे, उल्टी बात होगी, आप उससे एक लेबल इनपुट देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या जनरेट करेंगे, वो कैट जनरेट करेंगे। आप लेबल एक इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या जनरेट करेगा, वो डॉग जनरेट करेगा। यानी कि इस तरह के इनपुट कि अभी तक जो पहले आपने पढ़ा है ना, आपने बेसिकली ये सीखा है डिस्क्रिमिनेटर मॉडल के अंदर। बेसिकली क्या सीखा आपने कि आप एक एक्स इनपुट देते थे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको वाई आउटपुट आती थी, ठीक है। तो वो ये वाली प्रोबेबिलिटी जो थी ना, वो लर्न करते थे वो मॉडल, डिस्क्रिमिनेटर मॉडल। जबकि जनरेटिव मॉडल्स बेसिकली इसके अंदर क्या है, बड़ी तवज्जो से देखिएगा इस बात को, यहां पे ना आप इनपुट जो है यहां वाई देंगे कैट का लेबल, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो कैट का इमेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं कंडीशनल जनरेटर की, जनरेटिव मॉडल्स की ना। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, यहां पे आप कुछ भी इनपुट नहीं, यानी कि कोई लेबल नहीं इनपुट देंगे, उसके को नॉइस वगैरह इस तरह का फीचर वेक्टर आप इनपुट देंगे, यानी कि जस्ट क्या है, जेनेरिक इमेज जनरेट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली हम ये भी इंशाल्लाह, मैं आपको इसकी भी इनपुट बताऊंगा अगले लेक्चर के एंड पे कि हम ये काम कंडीशनल जनरेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे देखें, मेरे अपने काम के रिलेटेड मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं यहाँ पे लो रेजोल्यूशन इमेज देता था, सुपर रेजोल्यूशन की बात करूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या कर रहा था, हाई रेजोल्यूशन या सुपर रिजॉल्व इमेज जो है वो जनरेट करवा रहा था, ठीक है। दिस इज कंडीशनल जनरेशन, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो अनकंडीशनल जनरेशन है। बेसिकली हम जस्ट इनपुट क्या देंगे, एक रैंडम वेक्टर इनपुट देंगे, रैंडम फीचर इनपुट देंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम चाहेंगे ये जनरेटर नेटवर्क है ना, ये मुझे क्या जनरेट करके दे, कोई कोई इमेज जनरेट करो जिस क्लास के मैं चाहता हूँ, ठीक है। वो क्लास क्या है उनकी इंशाल्लाह अभी हम बात करते हैं थोड़ी देर तक, ठीक है जी, बात समझ आई है जी। अच्छा जी, अब जरा कुछ रिसोर्सेज जो यहाँ से स्टैनफर्ड से ये डॉक्टर अलहद कुमार हैं, उनकी वीडियोस से ये कंटेंट से मैंने आज के लिए हैं, जो मैं अभी आपको डिस्प्ले करूँगा। इसके अलावा कुसेरा से भी कुछ चीज़ें मैंने वहाँ से पढ़ी हैं, तो वो सारा कुछ आज के कंटेंट्स के अंदर है, ठीक है जी। आज के लेक्चर के अंदर बेसिकली हमने डिस्कस करना क्या है, बेसिक ज्ञान का आइडिया है क्या, उसको देखेंगे। उसके अलावा ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, बैक प्रोपेगेशन कैसे होती है, और इसका लॉस फंक्शन क्या है, ठीक है। और लॉस फंक्शन की डेरिवेशन की बात शायद अभी हम ना करें, वो लेटर ऑन हम देखेंगे, लेकिन लॉस फंक्शन होगा क्या, या किस तरह से हम लॉस फंक्शन को गैन के लिए यूज़ करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे, या उसे कैसे बनाएंगे, वो उसकी बात इंशाल्लाह करेंगे, डेरिवेशन की अभी बात नहीं करेंगे। उसके बाद ड्रॉबैक्स क्या हैं गैन्स के, और जो एप्लीकेशन क्या है गैन्स की, इसकी डिस्कशन इंशाल्लाह करेंगे, ये शायद अगली क्लास के अंदर। और एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट चीज़, इम्प्लीमेंटेशन, एक गैन को हम इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ये क्लास, ये चीज़ें इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर। तो आज पहले दो चीज़ें ना, पहले तीन चीज़ें कोशिश करता हूँ मैं आपको आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करें। अच्छा जी, इम्पॉर्टेंट बात गैन्स के रिलेटेड क्या है, ये ऐसा नेटवर्क है, देखिए यहाँ पे तीन टर्म यूज होते हैं, एक है जनरेटिव और दूसरा है एडवर्सेरियल, तीसरा क्या है नेटवर्क, ठीक है। जनरेटिव मॉडल एक बेसिकली न्यूरल नेटवर्क है, एक कॉन्विशन नेटवर्क है, जो बेसिकली क्या करता है, हमारे लिए नए इमेज जनरेट करवाता है किसी एक स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के, यानी कि जिस तरह के डाटा पे आपने उसे ट्रेन किया ना, उस तरह के डाटा, यानी कि जो आपका रियल डाटा सेट है ना, उस डाटा सेट की तरह के नए इमेजेस जनरेट करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि जनरेशन से मुराद यहाँ पे क्या है, जेनेटिव मॉडल्स क्या है, नया डाटा जनरेट करते हैं। देखें डाटा ऑगमेंटेशन की अभी आपने बड़ी सारी टेक्निक्स पहले पढ़ी हुई हैं, फ्लिप कर देना, रोटेट कर देना, सो ऑन सो फोर्थ। ये जो गैन्स है ना,
ये आपके लिए नया डाटा, यानी कि डाटा डॉक्यूमेंटेशन की एक खास टेक्निक है जिससे आप नया डाटा जनरेट कर, बिल्कुल नया डाटा जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट भी नहीं करता उसे आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डाटा डॉक्यूमेंटेशन की टेक्निक है जो आपको बेसिकली पढ़ाई, इन शॉर्ट वर्ड्स। ठीक है, अच्छा तो इसके अंदर मैं कह रहा हूं जनरेट, जनरेशन समझ आ गई, जेनेटिव मॉडल समझ आ गया। एडवर्सेरियल इसका मतलब है कंफ्लिक्ट। बेसिकली गैंस के अंदर ना दो नेटवर्क होते हैं, अभी तक जितना भी मॉडल्स आपने पढ़े हैं उसके अंदर एक ही मॉडल था, एक ही डीप लर्निंग नेटवर्क था। ठीक है, यहां पे दो नेटवर्क हैं, एक को कहते हैं जेनेटिव और दूसरे को कहते हैं एडवर्सेरियल। ठीक है, दो नेटवर्क, दो मॉडल्स हैं, इकट्ठे ट्रेन होंगे और उनके कन्फ्लिक्ट की वजह से हम इस काबिल हो पाएंगे कि जो जनरेटिव ट्रेन होगा ना, जो जनरेटिव बनेगा वो हमें नए इमेजेस बना के देगा या नया डाटा सेट प्रोड्यूस करके देगा। जो कैसा होगा, जो नया डाटा सेट वो प्रोड्यूस करेगा कैसा होगा, जैसा रियल डाटा सेट था, यानी कि जो आपने ट्रेनिंग के दरमियान यूज किया। ये सारी बातें इंशाल्लाह अभी आपको क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो ये बात समझ आई। जेनेटिव गैंस के अंदर बेसिकली दो नेटवर्क हैं, एक है जिसे हम जनरेटर कहते हैं, दूसरा है डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर ने इमेज जनरेट करता है, डिस्क्रिमिनेटर जस्ट लाइक ऐसे समझें जो जिसका रोल टेस्टर का है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, वो क्या करता है, वो टेस्ट करता है कि ये जो जनरेट हुआ इमेज है ये रियल है या फेक है। यानी दोबारा से इस बात को, डिस्क्रिमिनेटर बेसिकली क्या करता है, दो चीजों के दरमियान फर्क करता है। वो दो चीजें क्या हैं, एक रियल है और दूसरी फेक है। यानी कि जनरेटर ने नया इमेज जनरेट करना है, वो कैसा जनरेट करने की कोशिश करनी है, जो रियल के बहुत करीब करीब हो। डिस्क्रिमिनेटर ने क्या करना है, जो रियल डाटा सेट आप देंगे ना ट्रेनिंग के दौरान यूज करेंगे उसके इमेजेस को, और जो जनरेटर इमेज जनरेट करेगा उन दोनों में हमेशा फर्क रखने की कोशिश करेगा कि यार ये जनरेटर ने जनरेट की ये जो है ना फेक इमेजेस हैं, असल इमेज तो ये हैं। और जनरेटर की हमेशा क्या कोशिश होगी कि मैं ऐसे इमेज जनरेट करूँ ना जो रियलिटी के, रियल इमेज के बहुत करीब हों। इन अदर वर्ड्स जनरेटर का ऑब्जेक्टिव, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनेगा, जनरेटर एक नेटवर्क है जिसका मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं ऐसे इमेज जनरेट करूँ जिसकी वजह जो कि रियल करीब हों, जो मेरा रियल डाटा सेट है उसके करीब हो, जिसकी वजह से क्या हो, डिस्क्रिमिनेटर फूल हो जाए, उसे पता ही ना चले कि ये रियल है कि फेक है। यानी कि जनरेटर का मेन ऑब्जेक्टिव या रोल क्या है इस गैन नेटवर्क के अंदर, कि मैंने डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना है। और डिस्क्रिमिनेटर एक अगेन अनदर नेटवर्क है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है या उसका रोल बेसिकली क्या है, कि मैंने ना फर्क करना है हमेशा, डिस्टिंग्विश करना है हमेशा किसके दरमियान, जो मेरे रियल इमेजेस हैं और जो जनरेटर ने फेक इमेज जनरेट किए हैं। बस अगर आपको ये कहानी समझ आ गई ना तो आपको सारी ज्ञान की कहानी समझ आ गई। ज्ञान बेसिकली कैसे ट्रेनिंग होती है और क्या इसका सारा माल, जस्ट आपके जेहन में इन शॉर्ट क्या है, आपने दो चीजें जेहन रखनी है। एक तो ज्ञान के अंदर दो नेटवर्क है, एक का नाम है जनरेटर और दूसरे का नाम क्या है, डिस्क्रिमिनेटर, एक चीज। और दूसरा, अब आपने दोनों के रोल को जेहन में रखना है कि जनरेटर का रोल क्या है, टू फूल द डिस्क्रिमिनेटर। वो किस तरह से, किस बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेटर उसे फूल कर पाएगा कि मैं ऐसे इमेज जनरेट करूं जो रियल इमेज के बहुत करीब है। जब वो रियल इमेज के बहुत करीब हो जाएंगे तो वो जो डिस्क्रिमिनेटर है उसे तो समझ ही नहीं आएगी कि रियल है कि फेक है। तो और एक चीज, और दूसरा डिस्क्रिमिनेटर का क्या है रोल, डिस्क्रिमिनेटर का रोल है टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल डाटा सेट एंड द जनरेटिव डाटा सेट या जनरेटिव इमेजेस जो जनरेटर ने जनरेट की है। उसने कहा ना ये फेक इमेजेस है, मैं फेक रखूं। इन दोनों की लड़ाई से ना आप तरह देखें, आप इन दोनों नेटवर्क की जो आपस में ड्यूरिंग ट्रेनिंग के दौरान इन दोनों की आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। इन दोनों को हम ट्रेन करेंगे एक ही लूप के अंदर, दोनों को इंडिपेंडेंटली ट्रेन करेंगे। पहले मैं डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करूंगा कि तुम रियल और फेक के अंदर क्लासीफाई करो। बड़ी तवज्जो से प्लीज, मैं डिस्क्रिमिनेटर के बारे में एक और बात ऐड करें, डिस्क्रिमिनेटर ऐसे समझे क्लासीफायर है और कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने स्टार्ट में बताया ना, ये दिस इज जैसे हमने क्लासिफिकेशन के नेटवर्क बनाए हैं, डिस्क्रिमिनेटर क्या है, एक क्लासिफिकेशन वाला नेटवर्क है, दैट्स इट, जिसके एंड पे सिग्माइड लगा हुआ है एज अ एक्टिवेशन फंक्शन, बाइनरी क्लासिफाई कर रहा है। क्या क्लासिफाई कर रहा है, कि ये रियल है कि फेक है। मैं रियल इनपुट दूं तो वो आउटपुट दे 1, मैं फेक में दूं वो आउटपुट क्या दे 0।
ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमने पहले डिसिमेटर को ट्रेन करना है, एक ही लूप लगाई है, उस लूप के अंदर हमने पहले डिसिमेटर को ट्रेन करना है और उसके बाद उसी लूप के अंदर हमने जनरेटर को लहजा से ट्रेन करना है। डिसिमेटर को ट्रेन किया कि तुमने फर्क करना है रियल और फेक के, जनरेटर को ट्रेन करना है हमने कि तुमने जो डिसिमेटर है उसे फूल करना है। बस ये टोटल कहानी है। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक है। उसे स्टार्ट में ना अभी मैं आपको दिखाऊंगा, स्टार्ट पे जो इमेज देंगे ना, मतलब रियल इमेज सामने दे दिया उसे, जो हमारा रियल डाटा सेट है, फॉर एग्जांपल एमएनएस डाटा सेट है, फॉर एग्जांपल एमएनएस फैशन डाटा सेट की आज कुछ एग्जांपल ही मैं डिस्कस करूंगा। और एट द सेम टाइम स्टार्ट पे ना जनरेटर का भी जनरेटेड इमेज यकीनन जो कि इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है, बाकी वो बड़ा ही जो है ना बुरा सा इमेज होगा, वो बड़ी आसानी से फर्क कर लेगा। लेकिन आफ्टर उस लूप जिसको जिसके अंदर दोनों को लेवल से हम ट्रेन कर रहे हैं, उसकी काफी सारी पॉक के बाद आप देखेंगे दोनों ऐसे जो इमेज ऐसे जनरेट करना शुरू कर देगा, जनरेटर ऐसे इमेज जनरेट शुरू कर देगा जो रियल के बहुत करीब होंगे। ठीक है, दोबारा इस बात को, यानी कि लूप है उसके अंदर डिसिमेटर को ट्रेन कर रहे हैं और जनरेटर को ट्रेन कर रहे हैं। डिसिमेटर को ट्रेन करना है तो कैसे करना है कि मैं उसे दूं रियल डाटा सेट जो मेरा है उसे इमेज दूं जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या दे 1, और फेक इमेज भी दूं। तो फेक इमेज कहां से आएगा, जनरेटर से, जिसे अभी ट्रेन फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे तो नहीं किया होगा ना, वो जो भी इमेज देगा यकीनन वो बहुत ही बुरा इमेज होगा, बड़ी आसानी से ही वो जो डिसिमिनेटर है वो देख लेगा यार ये तो फेक है, वो फर्क कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिसिमिनेटर को जनरेटर को ट्रेन करेंगे और ये लूप बार बार चलती रहेगी अंटिल के दोनों, अंटिल क्या हो जाएगा कि जनरेटर ऐसे इमेज जनरेट करना शुरू कर देगा। मकसद ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, होंगे तो ट्रेनिंग के दौरान दोनों ही बड़े स्ट्रांग आपस में अपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन लॉस की वजह से दोनों बड़े ही स्ट्रांग, वो बड़े अच्छे फर्क कर पाएगा रियल और फेक का, और जनरेटर ऐसे ही मैं जनरेट करना शुरू कर देगा जिसकी वजह से उसे फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और होगा दोनों का कंपटीशन की वजह से, ट्रेनिंग लूप की वजह से, अपने अपने लॉस की वजह से, अपने अपने लॉस फंक्शन की वजह से। ठीक है, तो यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा कि जनरेटर इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जो डिसिमिनेटर की आउटपुट आएगी ना वो 0.5 आएगी, ना 1 आएगी ना 0 आएगी, कि वो कंफ्यूज हूं कि भाई पता नहीं 0 है कि 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी कहानी ओवरऑल मैंने आपको दिखा सुना दी है। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल, ये मैंने अपने हाथों से लिखी हुई चीजें, इन्हें आप देख सकते हैं। तो दोबारा से बात क्या, गैन्स के अंदर, गैन इज द न्यूरल नेटवर्क, डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर कंप्राइजेज ऑफ टू नेटवर्क्स, एक जनरेटर है दूसरा डिसिमिनेटर है, कंपीटिंग वन अगेंस्ट द अदर। ठीक है, और इस वजह से क्योंकि आपस में कंपीट करते हैं तो लफ्ज़ क्या है एडवर्सेरियल का ना, जिसका मतलब कंफ्लिक्ट भी होता है। ठीक है, आपस में कंपटीशन भी होता है कि आपस में कंपीट कर रहे हैं जिसकी वजह से दोनों ही ट्रेन होते हैं और दोनों की ट्रेनिंग के बाद अल्टीमेटली हमारे पास बनने वाला जो नेटवर्क है उसे हम गैन कहते हैं। ठीक है, जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क। अच्छा जी, अब जरा बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात देखिए, मेन हमें चाहिए क्या, हमें डिसिमिनेटर चाहिए या जनरेटर चाहिए एट द एंड टेस्टिंग टाइम, हमने किसे यूज करना है, दो नेटवर्क है ना, एक एक टेस्टर का रोल प्ले करता है ट्रेनिंग के दौरान, दूसरा जनरेशन कर रहा है, हम चाह किसको रहे हैं एट द एंड टेस्टिंग टाइम पे किसे यूज करेंगे, जनरेटर को, जनरेटर को नए नए हमें इमेज जनरेट करके दे। मकसद क्या है, हमें नए इमेज जनरेट, मैं उसे एक रैंडम वेक्टर इनपुट दूं या मैं उसे लो रेजोल्यूशन इमेज दूं, वो मुझे क्या करें अच्छे इमेज जनरेट करके दे। ठीक है, ये बात समझे, तो अल्टीमेटली हमने यानी कि आफ्टर ट्रेनिंग हमने जस्ट जनरेटर को यूज करना है, टेस्टर को नहीं यूज करना, यानी कि डिसिमिनेटर को यूज नहीं करना। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा ये ऑब्जेक्टिव, जरा ये वाली स्टेटमेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गैन्स आर न्यू नेटवर्क्स दैट ट्रेन इन अ एडवर्सेरियल मैनर टू जनरेट द डेटा। बड़ी अहम बात है, हमने ऐसा डाटा जनरेट करना है जो मीमिक करे किसको, सम डिस्ट्रीब्यूशन बी, यानी कि मेरा एमएनएस डाटा सेट है, फैशन एमएनएस डाटा सेट है जिसके अंदर डिफरेंट तरह के फैशन रिलेटेड आर्टिकल हैं, शर्ट्स हैं, शूज हैं, सो ऑन सो फोर्थ, मैं उनकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मैं कह देता हूं बी है। ठीक है, ये मेरा रियल डाटा सेट। दोबारा से इस बात को, ये जनरेटिव मॉडल है, इनकी ट्रेनिंग जैसे समझ लाई समझे ऐसे, अभी तक जितना भी आपको पढ़ाया ना वो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ाए हैं, मैं एक और एस्पेक्ट से डिस्कस करने लगा हूं इस बात को, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम पढ़ाए हैं आपको।
ठीक है, जिसके अंदर आपके पास दोनों चीजें गिवन होती थी, आपके पास लेबल भी हैं और आपके पास इमेजेस भी हैं, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम के क्या है, जिसके अंदर जस्ट आपके पास क्या है सिर्फ डाटा है, ठीक है, एक्स है वाई है ही नहीं, तो सम हो, ये जो जो मैं आज इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा नेटवर्क है या ऐसे एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग के, डीप लर्निंग ऐसे एल्गोरिथम हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो अनसुपरवाइज्ड वे से जिनकी ट्रेनिंग होगी। यहां मैं देखिएगा, जो मैं ट्रेनिंग कराऊंगा ना उसके अंदर मेरे पास कोई लेबल नहीं है, ठीक है, तो आप देखेंगे ये सम हो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की तरह का एल्गोरिथम। हाँ, इसके अंदर सुपरविजन भी आप देखेंगे, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली सुपरविजन होगी, वो कैसे करके होगी मैं अभी आपको बताऊंगा। यानी गैन इज एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, कि जहां पे आपके पास ये जो मैं अनकंडीशनल गैन पढ़ाने जा रहा हूं, ये अनसुपरवाइज वे से ट्रेन हो रहे हैं, यहां पे कोई लेबल नहीं है आपके पास। आप ट्रेनिंग करेंगे नहीं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उसे ट्रेन करेंगे, आप दोनों इकट्ठा ट्रेन करेंगे, अलग से नहीं ट्रेन करना, यानी जनरेटर को और डिसमीटर को इकट्ठा ट्रेन करेंगे, पहले डिसमीटर को ट्रेन करेंगे उसके बाद फिर हम जनरेटर, वो दोनों एक ही लूप के अंदर, जो ट्रेनिंग लूप है ना आपकी, फॉर लूप, फॉर एग्जांपल एक लूप लगा देते हैं जी, इतने नंबर ऑफ इपॉक्स हमने इसे चलाना है, वो तो ऊपर होगी, उसके अंदर दोनों नेटवर्क की अलग अलग से ट्रेनिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग, बल्कि वो कैसे करके मैं अभी इंशाल्लाह आपको दिखाता हूं। अच्छा, ये स्टेटमेंट बड़ी अहम थी कि हमने, मकसद क्या है कि मेरा जो जनरेटर नेटवर्क है ना, ऐसे इमेज जनरेट करे जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका टेक्सचर, जिसका कलर, जिसकी मीन वैल्यू या जिसका सिग्मा वैल्यू बड़ी ही क्लोज है किसके, एमएनएस डाटा सेट के, इस वाले केस के अंदर सम, जो हमारा डाटा सेट ओरिजिनल डाटा सेट, यहां पे आप जस्ट एक्स के, यानी कि ऐसे इमेज जनरेट करने हैं जो एक्स के बहुत ही करीब हो, बस ये काम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब जरा इसकी मजीद ये जरा देख लें, जो बातें मैंने की हैं ये कुसेरा से मैंने स्लाइड्स ली थी, उनको मैंने ऐसा जैसे यहाँ पे लिख लिया है। दो नेटवर्क की मैं बात की है, ये एक है डिस्क्रिमिनेटर मॉडल, ये क्लासिफिकेशन करता है कि ये मेरी कैट, ये मेरा डॉग है, ये मेरी कैट है, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो हम कहेंगे गिवन एक्स पे हम वाई प्रोड्यूस कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या मैं कहूँ मेरे पास एक्स इनपुट है जिससे मैं वाई जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ। अब जरा जेनेटिव मॉडल से आज हम बात करने लगे हैं, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, आप अभी आज तो मैं क्लास की बात ही नहीं करूंगा, बेसिकली ये कंडीशनल गैन हो जाएगा, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, आप एक लेबल इनपुट देंगे और जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो इमेज जनरेट कराएगा। आज मैं बात करूंगा, यहां मैं क्लास इनपुट नहीं करूंगा, जस्ट एक रैंडम वेरिएबल या रैंडम फीचर जो है इनपुट दूंगा, मैं एक वेक्टर इनपुट दूंगा नेटवर्क को, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या मुझे जनरेट करेगा, एक्स फीचर जनरेट करेगा। फीचर मतलब क्या है, वो एक मेरे पास इमेज आ जाएगा, ठीक है जी, बात समझ आ रही है। अच्छा, अब यहां पे प्रोबेबिलिटी, अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाऊं, यानी कि अभी मैं कंडीशनल गेन बनाऊं, तो गेन मैं एक लेबल दूंगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई बनाएगा, लेकिन अगर मैं ये नहीं दूंगा इनपुट, तो मेरे लिए कोई भी इमेज जनरेट कर देगा। यहां मैं जो एमएनएस डेटा सेट की बात कर रहा हूं ना, तो वो कोई भी इमेज जनरेट कर सकता है, मतलब वो शर्ट भी हो सकती है, वो ट्राउजर भी हो सकता है, वो शूज भी हो सकता है, लेकिन अगर आप चाहें कि सिर्फ शूज जनरेट कराना है, तो आप शूज के लेबल यहां पे दें कि भाई शूज जनरेट करवा के दो मुझे, ये मेरी बात समझ आ रही है। जब मुझे टी शर्ट का लेबल आप दें, उसका लेबल क्या है, ठीक है, लेबल नंबर होगा ना हर एक का, कि जीरो का मतलब क्या है शूज है, वन का मतलब क्या है ट्राउजर है, टू का मतलब क्या है, एंड सो ऑन सो फॉर, ठीक है। तो आज हम कंडीशनल गैन की बात नहीं करेंगे, कंडीशनल जनरेशन की बात नहीं करेंगे, हम हम जो है वो अनकंडीशनल जो जनरेशन है उसकी हम बात करें, तो कोई भी जनरेट करो, बस तुम जनरेट करो मेरे, जहां मैं जस्ट एक इनपुट दूंगा, एक नॉइस वेक्टर इनपुट दूंगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो मेरे लिए इमेज जनरेट करेगा, ठीक है। अच्छा जी, जैसे यहां पे कुछ एग्जांपल भी दिखाई, ठीक है, जैसे देखें जरा, यहां दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस के अंदर क्लास हम शो कर रहे हैं, कि यहां तुम ना डॉग का इमेज जनरेट करना है, ठीक है, डॉग का लेबल हमने यहां पे दे दिया, तो उसने हमारे लिए इस तरह के डॉग के इमेज जनरेट किए। ये रियल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर फेक इमेजेस, इंपॉर्टेंट बात, देखिए कितने शानदार इमेज आपने जनरेट कर लिए,
जो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ, इस तरह के इमेज ओरिजिनल हैं जिसको आपने ओरिजिनल ट्रेनिंग के दौरान यूज किया था, लेकिन ये सारे के सारे इमेजेस वो हैं जो आपके जनरेटर ने ट्रेन किए, जनरेट किए आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब जरा कुछ ये कंपटीशन जस्ट शो किया है कि ये दोनों आपस में, दोनों जो मॉडल्स हैं इनका आपस में कंपटीशन होगा। इसका मतलब है, इसका काम क्या है, मैंने इसे फूल करना है। इसका रोल क्या है, मैंने इसे डिस्क्रिमिनेटर को फूल करना है। डिस्क्रिमिनेटर का क्या काम है कि भाई जो तुम मुझे इनपुट दोगे और जो रियल में इनपुट है, जो रियल के अंदर डाटा है और जो तुम्हारा जनरेटेड डाटा है, मैं दोनों के अंदर फर्क कर दूं। इसको कहूं जो रियल डाटा इमेज आए मेरे पास उसे मैं कहूं ये रियल है, जो तुम मुझे इनपुट दो वो मैं कहूं फेक। ठीक है, इन दोनों की कंपटीशन की वजह से नेटवर्क बनने वाला है वो कैसे इमेज जनरेट करेगा, जैसे ये देखें, ये ओवरऑल पिक्चर आपको दिखा दी है। ये देखें, आफ्टर ट्रेनिंग आप क्या करेंगे, इसको जनरेटर को आप इनपुट देंगे कि रैंडम वेक्टर, एक वेक्टर देंगे आप इनपुट ना, रैंडम वैल्यू होंगी उसके अंदर, जिससे वो क्या जनरेट कर रहा, ये एक शानदार इमेज। ड्यूरिंग ट्रेनिंग इनकी आपस में लड़ाई हुई, ये इतना स्ट्रांग होगा, इतने अच्छे इमेज जनरेशन करने शुरू कर दी आफ्टर ट्रेनिंग, कि जब आपने उसे टेस्ट टाइम पे कोई रैंडम वैल्यू दी, उसने ये वाला इमेज आपको जनरेट करके दिया। ठीक है, ये ऐसा क्या हुआ ये अभी आपको दिखाते हैं। ठीक है जी जी, नहीं कमजोर नहीं हुई, वो भी बेहतर होता गया। वो इस वजह से कि जनरेटर बड़ा स्ट्रांग हो गया, उसने जनरेट किए हुए जो में से बड़े ही अच्छे हो गए। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दिखाता हूँ, क्या मैं ट्रेनिंग के दौरान आपको दिखाऊंगा, देखें ये वाले इमेजेस हैं वो आसानी से पहचान लेगा, लेकिन इस तरह के इमेजेस जब आने शुरू हो गए और जो आपका ओरिजिनल डाटा सेट था, जैसे ये मैं फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाऊं, ये मेरा ओरिजिनल डाटा सेट था, ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं, और जो जनरेट किया हुआ इमेज ऐसा ही था कुछ। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल शो करता हूँ, अभी एग्जाम्पल शो करता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ये होप्स हो कि ये बात क्लियर होगी। जेनेटिव मॉडल लर्न टू प्रोड्यूस द एग्जाम्पल्स, डिस्क्रिमिनेटर मॉडल डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्लासेस। अच्छा, ये देखें, ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल शो किए, जरा इसको भी देखें। जेनेटर लर्न्स टू मेक फेक दैट फेक इमेजेस दैट लुक रियल। देखें जी, ये जितने भी जनरेट किए ये सारे फेक इमेजेस हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जरा यहां पे आए, ये पांच इमेज शो किए ना, इनके कॉरस्पॉन्डिंग रियल इमेज भी देखे जरा। ये जो फेक है ना, ये पर्पल कलर के अंदर जो रेक्टेंगल है ना उसके अंदर फेक इमेज पड़े हैं, जो ग्रीन कलर के अंदर आपको रेक्टेंगल नजर आ रही है ना उसके अंदर रियल इमेजेस पड़े हैं। समझ आ रही है, ट्रेनिंग के दौरान हमने रियल इमेजेस को यूज किया फॉर ट्रेनिंग, इसको गेंद को डिस्ट्रीब्यूटर और जनरेटर की ट्रेनिंग के लिए हमने कौन से इमेजेस यूज किए, जो आपको ग्रीन रेक्टेंगल के अंदर नजर आ रहे हैं। आफ्टर ट्रेनिंग या ड्यूरिंग ट्रेनिंग, जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया जनरेटर, उसने कैसे इमेज जनरेट किए जैसे आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। आप जरा इन्हें कंपेयर करके देख सकते हैं आप, कैसे ये मेरा रियल था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेक ऐसा है, ये मेरा रियल था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फेक इसने ऐसा जनरेट किया, ये मेरा। हाँ, शायद अभी आप कहेंगे ये तो बहुत ही अभी वो फर्क कर लेगा, लेकिन एट द एंड वो वाकई बहुत करीब होंगे, जिसे फर्क करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पे हाँ जो एग्जांपल शायद आपको ये समझाने के लिए हमने शो की है कि देखें ये फर्क है दोनों के अंदर, लेकिन फेक भी बड़ी करीब है रियल के। ठीक है, अभी मैं कुछ और एग्जाम्पल शो करता हूँ, होप सो क्लियर होगी, ये बात समझ आ रही है। ये यहाँ पे बेसिकली रोल शो किया है दोबारा से जनरेटर का और डिस्क्रिमिनेटर का। ठीक है, अच्छा जी, मजीद कुछ और देखते हैं। द होप्स हो के ये सारी बातें जो मैं कह के आया हूं वो ही है। अच्छा जी, अब जरा ये एक स्टेटमेंट पढ़ना चाह रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले ना एक मिनट ब्रेक लें, जरा एक मिनट ब्रेक लें। मैं इसको, ये पूरा स्टेटमेंट आपने पढ़ना है यहां से लेके यहां तक, स्पेशल मार्क्स हैं जो कि फेक और रियल के दरमियान फर्क है। अच्छा, दूसरा मॉडल कौन सा है, जेनेटिव मॉडल्स। इसका रोल वैसे किया होगा ये ना, जिसको हमने यहाँ पे जी कह दिया है, इसे हम पेंट करेंगे किस स्टैंडर्ड पे, एक्स स्टैंडर्ड पे, और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टी।
अब हम चाह क्या रहे हैं कि मैं इस नेटवर्क प्रोग्राम जनरेटर को मैं कोई रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन दूं, रैंडम इनपुट दूं, कोई वेरिएबल दूं, कोई फीचर दूं, फीचर वेक्टर। तो ये क्या करे, वो इस रैंडम वेरिएबल को ले और उसे मैप कर दे किसके साथ, यानी कि ऐसा इमेज जनरेट करे जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो बी डैश, जो कि बहुत करीब हो किसके, जो हमारे ओरिजिनल डेटा सेट है उसके करीब, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, इसको मैं अभी ट्यूटोरियल दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ देखें ये मेरा जनरेटर है, अभी इसको निकाल देते हैं। जनरेटर पे इनपुट लेता है क्या, सी एक वेक्टर, कोई रैंडम वेक्टर, जिससे ना वो जो सैंपल जनरेट करते हैं, यानी एक इनपुट ली तो एक सैंपल जनरेट किया, एक इनपुट ली एक वेक्टर जिससे एक आउटपुट उसके प्रोड्यूस किया, फिर दूसरा वेक्टर लिया कोई रैंडम उससे कोई दूसरी आउटपुट जनरेट किया, और जो जनरेशन करवाते करवाते यानी जो सारी इमेज उसने जनरेट कर दी है ना, आप उन सारी इमेज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, डी डैश से मैं कह रहा हूँ, जो बहुत ही करीब हो जाए किसके, जो मेरा ओरिजिनल डाटा सेट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डी, जिससे मैं एक्स निकाल रहा था। ठीक है, जिसमें ए के एक्स को मैं कंपेयर कर रहा था। ये मैं बात दोबारा क्या कह रहा हूँ, इसको मैं दोबारा से फिर अब ये बात यहाँ इस वाली तस्वीर से सारा कुछ इस वाली तस्वीर से आपको बड़ी पोजिशन देखें जी, इस सर्कल के अंदर ये मशीन क्या शो की है, एमएनएस डेटा सेट समझ लें, ये एमएनएस डेटा सेट की डिस्ट्रीब्यूशन शो की है, हमें नहीं पता क्या है, अननोन है हमारे पास, लेकिन हम अस्यूम करते हैं उसकी सर्कल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको मैंने ना डी के साथ ठीक है। मैं अभी जस्ट जनरेटर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जो पीछे पैराग्राफ पढ़ के हैं उसकी हिसाब से, और इसके अंदर क्या है कि डॉट डॉट्स क्या नजर आ रही है आपको, ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपको नजर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये वाली डॉट है, ये पता नहीं शो कर रही है, एक एग्जांपल में शो कर रही है, ये किसको शो कर रही है, ये जी की शर्ट को शो कर रही है, हाँ जी अगली जो एग्जाम्पल है ये शायद शूज को शो कर, ठीक है, 10 एग्जाम्पल है डिफरेंट तरह के, 10 एग्जाम्पल है एंड सो ऑन, तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ हर डॉट जो है ना एक एग्जाम्पल को शो कर, ठीक है। अच्छा, हर एग्जाम्पल को हमने शो किया किसके साथ, एक्स के साथ, लोअर एक्स के साथ, ठीक। अच्छा, अब ये मेरा डेटा सेट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन डी है, ठीक है, इसके अंदर एक एग्जांपल पड़ी है, उसे मैं एक्स कहता हूँ, ग्रुप दिला उसको, उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गई डेटा सेट जो हमारे पास है जिसे हम ट्रेनिंग पर यूज करेंगे उसके बाद। अब जरा जनरेटर की बात करते हैं आगे, बड़े गौर से देखना इस बात को, ये मेरा जनरेटर है, जनरेटर क्या हो सकता है, न्यूरल नेटवर्क, जनरेटर क्या हो सकता है, कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क, ठीक है, कोई भी हो सकता है, जिसे मैं इनपुट क्या दूंगा, बड़ी तवज्जो से देखो, ये मेरे पास ना दोबारा जिस तरह से मेरे पास ये इनपुट डेटा सेट था, ये मैं उसकी सैंपल और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो की है बिल्कुल इसी तरह से, ये मेरे पास डिफरेंट नंबर्स है, रैंडम नंबर, ठीक है, तो मैं इनमें से एक रैंडम, इस रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से जिसको मैं यहाँ पे सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके अंदर हर एग्जाम्पल को ना ऐसे समझे, हर एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, हर एक वेक्टर है, एक वेक्टर रैंडम वैल्यू है उसके अंदर, कोई फिक्स वेक्टर जिसकी लेंथ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 100 by 100 है, एक वेक्टर है उसकी लेंथ क्या है 100 by 100, उसके अंदर पड़ा क्या है रैंडम वैल्यूज पड़े, ठीक है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन से, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे मैं एक वैल्यू निकालूंगा, एक वेक्टर निकालूंगा, उस वेक्टर को मैं इनपुट दूंगा किसको, जनरेटर। अब जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना यानी उसने z इनपुट ली, आपने एक वेक्टर से इनपुट दिया, ये एक वेक्टर या जिस समझे एक डॉट से मैं इनपुट दे दी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग से क्या जनरेट किया g का, यानी ये मेरा g जनरेटर है, इसे मैं इनपुट क्या दे रहा हूं z, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने क्या जनरेट किया, एक डॉट जिस जिसको मैं क्या कह रहा हूं g ऑफ z, दिस इज जनरेटेड इमेज, जनरेटेड आउटपुट, जनरेटेड डाटा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे इस वाले केस के अंदर जो जनरेटेड डाटा होगा वो क्या होगा, दिस इज एन इमेज
वो कैसा होगा? वो एमएनएस फैशन डेटा सेट की तरह होगा, क्योंकि उस पर ट्रेनिंग की है ना, उस पर ट्रेन करना चाह रहे हैं आप। तो अभी आपको समझ नहीं आ रही वो कैसे आ रहे, अभी चल आ रहे हैं, ठीक है। जब मैं ट्रेनिंग लॉस आपको दिखाऊंगा देन आप उसमें बता देंगे हाँ ये जो है इमेज है ना ये बाकी से बहुत करीब होता है, ठीक है। वो कैसे होता अभी हम चला उसको दिखा रहे हैं, अभी ट्रेनिंग दिखा, अभी मैं जैसे उसका रोल दिखा रहा हूँ। जनरेटर ने क्या करना है, उसे मैं जी इनपुट दूँ जिससे कॉरेस्पॉन्डिंग वो जी ऑफ सी आउटपुट करेगा। जी ऑफ सी पे सी दिया है, ये ऐसा सैंपल है मतलब जहाँ पे जैसे मैं शो कर रहा हूँ जी ऑफ सी, यहाँ ये डिफरेंट सैंपल्स हैं, ठीक है, ये डिफरेंट आउटपुट्स हैं जिन्हें मैं जी ऑफ सी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बेसिकली मेरा फेक डाटा है, और जब मैं बहुत सारे फेक डाटा जनरेट कर लूंगा ना, अब मैं उसकी कोई डिस्ट्रीब्यूशन शो करना चाहूंगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन है डी डैश। अब देखें, और अगर और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है या जनरेटर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, ये डी डैश की डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही क्लोज हो जानी चाहिए किसके, यानी कहने का मतलब क्या है, डी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक सर्कल की तरह समझाने के लिए जिस ग्राफिकली शो की सर्कल की तरह। जनरेटर की क्या ऑब्जेक्टिव है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी आपको नजर आ रहा है स्टार्ट पे ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल हो जाए, जब सर्कल होगी तो डी डैश इज इक्वल टू डी विन, ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पे बेसिकली आपको, अच्छा ये याद रखना, ये आगे हमारी रोटेशन काम आएगी, इसको मैं जी कह रहा हूँ, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को मैं जी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके अंदर से जो मैं एक एक एलिमेंट निकाल रहा हूँ या एक एक वेक्टर निकाल रहा हूँ उसे मैं छोटे जी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ शो किया है जी इज बिलोंग टू कैपिटल जी, जी ठीक है। इस तरह से एक्स इज बिलोंग टू डी, ठीक है, ये जहन में रहना चाहिए। तो ये रोटेशन को ख्याल करना है, इसे मॉडिफाई करना है, और पेपर के मुताबिक जो असल में गुड फेलो का बेसिकली ये आइडिया है तो उसके पेपर के साथ हमने मैप करना है, तो इस वजह से इस रोटेशन को ख्याल करना है, ठीक है। अच्छा ये बातें सारी आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट डी डैश इज एज क्लोज टू, ऑब्जेक्टिव क्या है जनरेटर का, डी डैश क्लोज आ जाए इसके डी के, जनरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी डैश इज एज क्लोज एज पॉसिबल डी, जी इज कन्वर्ट, जी का क्रोल क्या है कि जी रे जी डिस्ट्रीब्यूशन थी ना हमारी इनपुट पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जी थी, उसको मैप कर दे किसके साथ डी डैश, सही है। अ सैंपल इनसाइड जी इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस जी, ठीक है, ए सैंपल इनसाइड डी डैश इज रिप्रेजेंटेड बाय जी ऑफ जी, ठीक है, और दैट इज दैट हैज अ डिस्ट्रीब्यूशन डी डैश, जी जी इज अ जनरेटेड सैंपल व्हिच आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन, इंपॉर्टेंट बात है not it belong to D, यानी कि ये GZ ऐसा सैंपल है जो D के अंदर आपको डिफरेंट X दिखा रहा है, ये उससे नहीं बिलोंग करते, ये डिफरेंट है, लेकिन इनकी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है जो बहुत क्लोज है किसके D की, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट मैं चल ये आप देखिए जनरेटर, इसे हम इनपुट क्या देंगे, जस्ट एक रैंडम फीचर वेक्टर देंगे 100 डायमेंशन का वेक्टर, और ये आउटपुट क्या करेगा आफ्टर ट्रेनिंग, सम जस्ट कर सकते हैं कि ये मैं टेस्टिंग टाइम पे ये करूंगा कि मैं इसे रैंडम इनपुट दूं तो ये मैं चाहता हूं ये मेरे लिए इनपुट जनरेट करे, ठीक है। चलिए अब जरा मैं ब्लॉक कर देता हूं, ये है ना ओवरऑल पिक्चर इसकी क्या है, ये आप नेट सर्च करेंगे नेट पर किस तरह की आपको नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे दो हिस्से आपको नजर आ रहे हैं, ये है जनरेटर, ये क्या है और ये क्या चीज है, ये समझ आ रही है, ये मेरा गियर डेटा सेट है, एमएस डेटा सेट, ये उसके डिफरेंट एग्जांपल पड़ी है जिन्हें मैं एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अच्छा जी तो ये हासिल क्या है, ये क्या चीज है, ठीक है, ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, यहां से मैं रैंडम वैल्यू निकाल लूंगा, ठीक है, एक सैंपल निकालूंगा और इनपुट दूंगा इसको जनरेटर, समझ आ रही बात। अच्छा जी यहाँ पे क्या है, जरा पहले डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर लेते हैं फिर उसके बाद वो बिग पिक्चर समझ आएगी, ये जनरेटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मेरा रियल सैंपल है, यहाँ से मैं रैंडम इनपुट जो फीचर है उसे दूंगा, और ये जो जनरेटर है मुझे क्या जनरेट करके देगा, जी यहाँ मैं जी शब्द जी ऑफ जी, यानी कि यहाँ पे मेरे पास जनरेट होने वाली डिस्ट्रीब्यूशन होगी
बहुत क्लोज है, यहाँ पे डिफरेंट सैंपल आ रहे हैं, जेनरेटेड फेक सैंपल्स दैट आर वेरी मच क्लोज टू द रियल सैंपल, ठीक है। अच्छा जी, तस्वीर भी इसी से आ जाता है। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेटर का रोल क्या है जी, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक। क्या मतलब, मैं इसे यहां से कोई सैंपल लूं x दैट इज बिलोंग टू z, इसे मैं इनपुट दूं किसको, d को, तो आउटपुट क्या आएगी मेरे पास, d ऑफ x आएगी आउटपुट। यहां मैं x इनपुट देता हूं तो ये आउटपुट क्या आएगी, इसे क्या आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, इसे कॉरस्पॉन्ड आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट इज 1, तो ये रियल थी ना, यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या है, लेबल इज 1, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सही है, इसे ये करना चाहिए। और लेकिन जैसे ही मैं इसे ये वाली फेक आउटपुट देता हूं, फेक इनपुट देता हूं, फेक इनपुट क्या है, g ऑफ c, इससे इसका लेवल पे सीधी क्या है, y is equal to 0, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो आउटपुट करेगा जनरेटर, ये क्या होगा, b ऑफ g ऑफ z, ये होगी ना, ये आउटपुट क्या आएगी, ये प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेटर है, क्लासिफायर है, इसका मतलब क्या है, आखिरी लेयर पे जस्ट लाइक समझे सिग्माइड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आउटपुट क्या करेगी यहाँ पे, ठीक है, तो यही रोल इसका होता है, इसमें कोई सवाल नहीं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम, और अगर फर्ज किया देखिए जरा, ये आउटपुट और इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉस फाइंड करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे जैसे पहले आपको पता है, सिंपली इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिस्क्रिमिनेटर के लिए हम लॉस फंक्शन यूज करेंगे। ये कौन सा लॉस फंक्शन यूज होगा, ला सकते हैं, बिल्कुल वही बाइनरी का असर आप ही यूज करेंगे, ठीक है, बेसिकली यही लॉस है, उसी की थोड़ी सी वेरिएशन करके जनरेटर के लिए लॉस बना लेंगे और डिस्क्रिमिनेटर के लिए लॉस, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, तो वो लॉस कंप्यूट करेंगे उसके बाद हम इसको ट्रेन, ठीक है, और दोनों की ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, लूप एक ही लेकिन पहले हम डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन करेंगे, जब इसकी ट्रेनिंग होगी फिर हम जनरेटर को ट्रेन करेंगे, इस बात को देखेंगे कैसे करते हैं, दिखा रहा हूं, तो ये हमने डिस्क्रिमिनेटर को ट्रेन किया, ठीक है। अगर फर्ज किया आपको समझ नहीं आ रहा, उसका मतलब उस वक्त लॉस बहुत ज्यादा होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आना शायद शुरू ये हो जाए कि डिस्क्रिमिनेटर का लॉस जो है ना, शुरू में शायद कम है, एंड में ज्यादा होना शुरू होता है, जनरेटर का लॉस शुरू में कम है, शुरू में ज्यादा है जनरेटर का, और एंड में कम है, तो आपको इस वजह से इसके ऊपर लॉस के अंदर फ्लक्चुएशन भी नजर आता है, जगली तो होता है ना लॉस कर वक्त के साथ साथ ऐसे नजर आने शुरू हो जाते हैं, नियरली इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन आप जनरेटर के अंदर खास तौर पे गैस के अंदर आप देखेंगे इसका लॉस है ना फ्लक्चुएट होता नजर आता है, विकास दोनों का कंपटीशन थी, ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंस को देने लगता है। अच्छा जी, इस तरह से आप जरा देखें, ये तो मैंने जनरेटर की बात, डिस्क्रिमिनेटर की बात की, अब ये रोल ये है यहां पे जनरेटर, ये क्या करेगा बेसिकली, इसे मैं इनपुट दूंगा, ठीक है, रैंडम वैल्यू, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो मेरे पास वो जनरेट करेगा क्या, जी ऑफ सी, और जी ऑफ सी मैं किसे इनपुट दूंगा जी, डिस्क्रिमिनेटर को क्या लेबल लगा के जी, शब्द ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, लेबल क्या लगाऊंगा, यानी कि मैं क्या अब जनरेटर को ट्रेन कर रहे, जनरेटर का क्या चाहे, मैं उसे फूल करूं, किसको, डिस्क्रिमिनेटर को, कैसे फूल करेगा, लेबल क्या होना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, यानी कि वो कहना कि तुम ना इसको जी ऑफ सी क्या समझो, वन समझो, यानी कि जो भी आउटपुट देगा उसको वन से मैं सबट्रैक्ट करूंगा, जस्ट लाइक सर ने मीन एरर फाइंड करना चाह रहा था, वन से सबट्रैक्ट करूंगा, लॉस बढ़ा है, ये बात समझ आ रही, तो ये ट्रिक है जो बेसिकली इसके अंदर, हां जी समझ आ रही बात, तो ये है जवाब गेट का इन पिक्चर के अंदर इसकी ब्लॉक है, ठीक है। तो अब हम जरा थोड़ा सा आगे और मूव करते हैं, जैसे यहां पे देखें, ये देखेंगे दोबारा से वेरी इंटरेस्ट, ये समझ लें इंटरनल समझ लें ट्रेनिंग के दौरान ना क्या हो रहा है गेंस के अंदर और फैशन एडमिनिस्ट्रेटर कॉर्टेक्स में, वो यहां पे हाईलाइट करने की कोशिश, ठीक है। यहां मैं देख रहा हूं, मैं इनपुट दे रहा हूं, ये मेरा ऑब्जेक्ट सेट है जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमने डी करी हुई है, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है न्यूरल नेटवर्क है, ये मेरा जनरेटर न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। यहां से हम एक वेक्टर या बैच ऑफ एक वेक्टर या बैच ऑफ वेक्टर, ठीक है, हम बैच उठा सकते हैं,
तो यहां से मैं इनको लूंगा, जस्ट लाइक अभी समझ भले आप समझ लें आसानी के लिए, एक वेक्टर हम इनपुट देंगे जिससे कॉरस्पॉन्डिंग वो एक सैंपल जनरेट करेगा। ऐसे हम लाइक तीन चार ट्रेनिंग हम तीन चार या दस अपॉक कर लिए ध्यान, उसके बाद इमेज बना देंगे जनरेटेड इमेज कैसा नजर आ रहा है, ठीक ही है ना। लेकिन शर्ट की बहुत ही शुरू में तो बिल्कुल गार्बेज सी चीज हो, रेंड नॉइस सी होगी बिल्कुल ना, गार्बेज चीज वैल्यूज होगी यहाँ पर ना। लेकिन एनी हो कुछ हमने समय लेकर 10 इपॉक्स हमने चला दिए, उसके बाद जनरेट किया होगा इमेज कैसा होगा, तो देखिए ऐसा ही होगा, ठीक है। अब देखिए जरा जनरेटर ने ये जनरेट किया, और पहले हमने ट्रेनिंग किसकी करनी है, डिस्ट्रीब्यूटर की। डिस्ट्रीब्यूटर ने बेसिकली क्या लेना है, ये सैंपल को लिया जैसे यहाँ पे रैंडम सैंपल लिया और इसे एज इनपुट लिया इसको जनरेटर को, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट करेगा 1, और दोबारा से यहाँ से भी इनपुट लेगी जो बेसिकली रैंडम वेक्टर को इनपुट देंगे, ये फेक इमेज जनरेट किया और ये फेक इमेज डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, और डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट की 0, ये कभी चाहिए इसे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद फिर हम जनरेटर को ट्रेन करना है, दोबारा से इनपुट ऊपर लें और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करवाएं, और अब ये आउटपुट जो है इनपुट देंगे इसको डिस्ट्रीब्यूटर को, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल आपने क्या रखा है 1। इनिशियली यहां पे लेबल इसका क्या था, जब डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन करेगा 0 तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या जनरेट करेगा, यानी कि वो इतना परेशान हो जाएगा 0.5 वैल्यू जनरेट करना शुरू कर देगा, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, यही मकसद है। तो ये इतना इंटर लग गया, अब आपको यहां पे समझ आ रहा है कि फेक सैंपल था, यहां पे शर्ट रियल तो ऐसे है जनरेट हो रही है, हां ये अपनी टीम की, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है, जो नेटवर्क हो रहा है वो एक जो ये पहले दे रहे थे पहले जो हम कर रहे थे, अभी ये जो है और हम इनको जो पहले बना रहे थे ये हम एक साथ नहीं दे रहे, साथ तो नहीं दे रहे ये। अच्छा जो मैं तकनीक आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही ट्रेनिंग करनी है, ये भी ट्रेनिंग, ये मैं पूरा आपको ट्रेनिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग इन अदर वर्ड्स नॉट इन शॉर्ट टर्म मैं आपको ट्रेनिंग का प्रोसेस ही बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही हो। क्या मतलब देखें इसकी, पहले आप एक लूप है जिसके अंदर आपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेन किया, वो कैसे करेंगे कि सबसे पहले आप रियल डेट सेट से सैंपल एक उठाएं, अभी मैं एक सैंपल की बात करना तो बैच का उठाएंगे, एक सैंपल उठाएं जैसे मैंने ये किया सैंपल उठाया उसको इनपुट दूंगा और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल लगाऊंगा y = 1 और मैं कहूंगा इसको तुमने क्या समझा है ट्रेनिंग क्या हो रही है, इस लेबल को तुमने 1 समझना है, तो जस्ट लाइक जैसे हम किसी की क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग से कहा हां ये कैट है, या इस वाले केस के अंदर हां ये रियल, यहां कैट और नॉट कैट नहीं है, यहां पे रियल और फेक है, यहां हमारा रियल क्या है 1 और फेक क्या है 0। अब देखिए जरा इसको यहां और दूसरी इनपुट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रेन करानी है, वो कैसे हो, ये इनपुट मैं जनरेटर से गुजारूं और जो आउटपुट मेरे पास आए वो एक फेक इमेज होगा, ठीक है। शुरू में तो बिल्कुल गार्बेज सी वैल्यू होगी, नॉइस सी सिर्फ होगी, वो इसे मैं इनपुट दूं और यहां पे लेबल क्या लगाऊं 0, और अब मैं इसे ट्रेन क्या कर रहा हूं कि तुम्हें इस साइड से इमेज आया इस तरह का, यानी कि जी का जी इनपुट आए ना हमारे पास जिसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल मैंने ये रखा है, तो उससे उससे तुमने क्या कहना है 0 कहना, फेक कहना, इस साइड पे आया तो तुमने उसे क्या कहा, तो इससे मैंने ट्रेन कर, जैसे हम सिंपल एक क्लासिफायर को ट्रेन कर, ये ट्रेनिंग हो गई लूप के अंदर दोनों को ट्रेन कर रहे हैं, अभी जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटर की बात की, दूसरे उसी लूप के अंदर दूसरा मॉडल इसका नाम क्या है जनरेटर। अब ऐसा मतलब कि इसके पैरामीटर फिक्स है, मैंने इसको ना चेंज, इसके डब्ल्यू और बी को ना चेंज कर, अब मैंने किसको चेंज करना है इसके डब्ल्यू और बी, वो कैसे करूंगा दोबारा से देखें, अब इसका लॉस कैसे हो, यानी कि आपने दोबारा से एक इनपुट ली, अब वो उस उससे आउटपुट प्रोड्यूस की जैसे आपको यहां पे नजर आ रही है बड़ी मजे, अब इस आउटपुट की बनाव नहीं मैं इसे ट्रेन नहीं करूंगा, इस आउटपुट को गुजारूंगा ऑब्जेक्टिव द्वारा जिंदा रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बनाते से वेरी इंपॉर्टेंट, जनरेटर का ऑब्जेक्टिव क्या है टू फूल क्या मतलब इज वेरी लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल लगाओ 1 और इसको दे दो, अब वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा लेकिन उसका लॉस पाए इसके साथ कंपेयर करके देखूंगा 1 के साथ 0 के साथ ही, लेकिन चाह रहा हूं मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1 ही जनरेट करें, अगर 1 अगर ये 0 जनरेट करता देख रहा इसने 0 जनरेट किया, इसको कॉरस्पॉन्डिंग लेबल क्या है, इसका मतलब क्या है इन दोनों के लॉस एक बड़ा नंबर है, एक नंबर बड़ा है तो मैंने उसके दौरान जो आउटपुट आई इसको ट्रेन नहीं करना, इसको इसके पैरामीटर को अपडेट नहीं करना, किसको करना है
इसके पैरामीटर को मैंने अपडेट कर दिया, समझ आ रही बात? ठीक है, जब मैं ये पूछना जा रहा था कि जब हम ट्रेन कर रहे होते हैं नेटवर्क को, तो अगर हम साथ लेवल भी देते हैं तो हम लेवल की जो मैच और गेट्स और पैरामीटर्स जो है वो ट्यून हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हमने उससे रिजल्ट या कुछ आउटपुट ले लिया होंगे तो अगर हम लेवल नहीं देते और अपने दो लेवल को देता है तो वो हम हाँ जब आप कहते हैं ना कि अब हम चेक करने लगे हैं और उसके बाद कहते हैं हम लेवल सी की जगह बात करें, ये ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के दौरान हम लेवल यूज करेंगे, ये ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर हम उसको गलत लेवल के साथ ट्रेन करेंगे डिस्क्रिमिनेटर को तो क्या वो गलत पैरामीटर नहीं है? हाँ, गलत पैरामीटर। अब यहाँ पे हम चाहे ये इस देखिए सबसे मैंने कहा था इम्पोर्टेंट चीज जो आपने जहन में रखनी है ना, जिससे वजह से सारी क्लैरिटी आए, रोल को क्लियर कर रहा है इसका रोल क्या है, यानी कि ऐसा जनरेटर बना चाहिए जो उसे फूल करे। वो कब करेगा? जो अपने जनरेटेड इमेज के कोरिस्पॉन्डिंग लेवल का दे, यानी कि इस पे ट्रेनिंग मैंने की है। ऐसा करने से फर्स्ट जो उसने जीरो को दिया वो लॉस को पड़ा, लॉस को पड़ा मतलब इसमें तेरे पैरामीटर अपडेट करो भाई, तुम ठीक नहीं है, अपने डब्ल्यू और बी को अपडेट करो। ठीक है, यानी कि अगर मैं दो सेंटेंस के अंदर बात करना चाहूंगा तो एक सेंटेंस ये है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर का रोल बहुत क्लियर होना चाहिए। उसका रोल क्या है? टू मेक अ डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल एंड फेक, उसके मुताबिक आपने ये डेटा सेट करना है। दूसरा, जनरेटर का रोल क्या है? टू फूल, यानी कि मैंने ऐसे इमेज जनरेट करना है जिसे फूल, तो वो कैसे होगा? फूल कैसे होगा? मैं इसकी ट्रेनिंग ऐसे करके करूं, फूल करने पर भी ट्रेनिंग करूं, यहां लेवल जो यहां पे कॉरस्पॉन्डिंग इसे कॉरस्पॉन्डिंग लेवल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे लेवल क्या होगा? देखो ना, डिस्ट्रीब्यूटर केस के अंदर मैंने क्या रखा था, यहां y इज इक्वल टू 0 रखा था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जी या फूल कॉरस्पॉन्डिंग, और x के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने क्या रखा था जी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले लेवल। ये बात समझ आ गई? यानी कि यहां पे इसने प्रोड्यूस की v ऑफ x, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल है y इज इक्वल टू 1, तो हमने कहा इसने भी मान किया तो लॉस बिल्कुल 0, इट्स फाइन। अब इससे कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? यकीनन इसे 0 प्रोड्यूस करने चाहिए, y y हैट करना या y हैट करना, सो y y हैट करना चाहिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरा y हैट क्या है? y हैट इज इक्वल टू d ऑफ g ऑफ z, और मेरा y बेसिकली क्या है यहां पे? y इज इक्वल टू, इसके मैं इसे ट्रेन कर, ये तो मैंने स्प्रिंट की काम है। ठीक है, अब मैं जनरेटर को कैसे ट्रेन करूंगा? ये बात खत्म हो गई इसकी। ठीक है, ये बात खत्म हो गई, जनरेटर को मैं कैसे ट्रेन करूंगा? जस्ट लेबल चेंज, यहां पे y इज इक्वल टू 1, क्या मतलब? यहां पे मेरा लेबल है 1 भाई, अब अगर इनका फर्क बहुत बड़ा आएगा, अगर ये वैल्यू 1 के करीब नहीं है, लॉस बहुत बड़ा है, इसका मतलब वेट अपडेट बहुत ज्यादा है। जो आर्टिफिशियल इंस्टेंस है या फेक इमेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या रखना है? y इज इक्वल टू 0, और जो आपका रियल डेटा सेट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेवल क्या रखना है आपने? ठीक है, तो जस्ट इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये यहां पे इनपुट है बेसिकली x, सॉरी यहां पे इनपुट है g ऑफ z और यहां इनपुट है g ऑफ सॉरी x। ठीक है, तो यहां पे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा g ऑफ z सॉरी d ऑफ g ऑफ z। ठीक है, जो हम चाहते हैं क्या है? 0, और d ऑफ x जो कि हम चाहते हैं क्या है? और इस अपनी चाह को हमने कैसे निशुल्क किया कि यहां पे जो लेबल दिया ना, यहां लेबल दिया 0 और यहां पे जो लेबल दिया वो क्या है? ठीक है, यही बात है। ठीक है, तो जनाब ये है डिस्ट्रीब्यूटर की बात, और जनरेटर की क्या कैसे मॉडल होगा, ये सारी चीजें ऐसे कैसे करेंगे? अच्छा, ये बात जिनसे नहीं बोला, फिक्स इसको
सकते हैं, इसके पैरामीटर को अपडेट करना है। पहले हमने जस्ट इसके पैरामीटर को अपडेट किया, आप इसके पैरामीटर को क्या करना है, फिक्स करना है। तो आप दोबारा से किसको ट्रेन करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को। अब क्या जी, यहाँ पे आर्टिफिशियल जो आपके इमेजेस हैं या फेक इमेजेस हैं उसके तौर पर लेवल का नॉर्मल चला, ठीक है, ये बात सही है, इस पर कोई सवाल नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हैं, ये सारी चीजें जब आप बता के आपको ये सारा चले यहाँ पर हम लॉस की ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग जरा देखिए, आई होप सो कोई बड़ी सारी चीजें आपको नहीं होती है। ये लॉस की बात कर लेंगे, उससे पहले ये गलत सुनते हैं, ये जनरेटर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है हमारा, गेम की डिस्ट्रीब्यूशन हमने शो की है। पहले 10 आइटरेशन के बाद तो जनरेटेड सैंपल हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है, ये डी डैश है, ये डी डैश है, ये हमारी डी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये फर्क करना है, डी यहाँ, डी यहाँ, डी से डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, ये जनरेटर है बेसिकली, ये सिंपल एक तरह के लिखते हैं, लेकिन नहीं आगे जाकर फर्क भी होता है। शुरू में यकीनन वो जो जनरेटेड सैंपल्स हैं बड़े ही आर्टिफिशियल से, बड़े वाकई फेक से, तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन डी डैश इज नॉट इक्वल टू। लेकिन देखिए जरा इंटरेस्टिंग बात, नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ाए, नंबर ऑफ इपॉक बढ़ाने से क्या होता जा रहा है, जो आपका जनरेटेड सैंपल्स है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती जा रही है, ठीक है सर। ओरिजिनल सैंपल की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी हमारा, वो हम अस्यूम करते हैं वो सर्कल थी। अब देखिए यहाँ पे ओवरऑल, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब जरा हम दोबारा से रोटेशंस की बात दोबारा से, ये ना जो शुरू में आपको तस्वीर दिखाई था उसको चेंज, आप बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं जो पेपर के अंदर था। गुड फेलो साहब हैं जिन्होंने 2014 के अंदर ना ये नेटवर्क दुनिया को एक दफा बता दिया कि ना आप क्या कुछ और कर सकते हैं, एआई और डीप लर्निंग को यूज करके, मशीन लर्निंग को यूज करके, ठीक है, कि नए इमेज जनरेट करना, ठीक है। आज जो डिफ्यूजन मॉडल की दुनिया के अंदर डिफ्यूजन मॉडल भी यही काम कर, ठीक है, डाली क्या कर रहे हैं, नए मॉडल्स टेक्स्ट दें और जिस तरह का मन चाह रहे वैसे जनरेट करो, ठीक है, तो पीछे कहानी है यही है। ये वेरिएशन ऑटोकोडर वो भी यही काम कर रहे हैं, आप तीनों तरह की गैंस की, वेरिएशन ऑटोकोडर की और डिफ्यूजन मॉडल्स की, जैसे पहले छोटे मॉडल थे जनरेटिव मॉडल, ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ऐसे सैंपल जनरेट करवाएं जो रियल के अंदर जो नए हैं रजिस्ट नहीं करते, लेकिन उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल वैसी है जिस तरह के डाटा पे आपने जो ट्रेन किया, ठीक है। हाँ, आपस में इन मॉडल्स का फर्क है, मतलब जनरेट गैन के साथ सबसे अच्छी खूबी क्या है, जो जनरेट किए हुए मैंने उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन इश्यूज क्या है, मोड कोलैप्स का इशू है, क्या मतलब, सम टाइम ना एक तरह की इमेज जनरेट करना शुरू कर, वो क्या है, मैं इंशाल्लाह जब अपने ड्रॉबैक्स को डिस्कस करने की जरूरत पड़ी, अगर मौका मिला तो मैं उसको वहां पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, वेरिएशन आउटपुट वो क्या करते हैं, उनके अंदर वो हमेशा ही आपको यूनिक जो है ना आउटपुट प्रोड्यूस करके देते हैं, मोड कोलैप्स का कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक तरह की इमेज नहीं जनरेट कर, यूनिक इमेज जनरेट करेंगे, लेकिन उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, ये उसका ड्रॉबैक है, ठीक है। तीसरे हैं डिफ्यूजन मॉडल आज की दुनिया में, वो भी आपको जो इमेज जनरेट करते हैं बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत ही शानदार इमेज है, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, मोड क्लैप का कोई प्रॉब्लम, वो नए नए इमेज जनरेट करें, हर दफा यूनिक इमेज जनरेट करें, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसके साथ, वो स्लो है रिलेटिव, लेकिन आज की दुनिया के अंदर लोग उनकी उनको उनकी ये जो फीचर है स्लो होने का, इसको भी ओवरकम किया हुआ है, आज के अंदर फास्ट डिफ्यूजन मॉडल्स भी है, ठीक है। तो हर एक ही अपने फायदे नुकसान है, लेकिन अभी हम जस्ट गैस की बात कर रहे हैं जिन्हें यूज करते हैं या मैंने यूज किया। अच्छा, ये बता रहा कुछ इनोवेशन को मैं फेस कर रहा हूं, कैसे जरा देखिएगा, इसको हमने क्या कहा था, डी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, अब मैंने सी डेटा फेस कह दिया, पहले हमने इसे क्या नाम दिया था डी, अब मैं क्या कह रहा हूं पी डेटा फेस, सही है। अच्छा जी, और इसी तरह से इसको हमने जी कहा था, कैपिटल जी कहा था, इसके हम क्या करें पी सी ऑफ
या कि इसके अंदर किसी एक सैंपल को मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन को मैंने कंट्रोल किया क्या पी जी ऑफ सी ठीक है लेकिन इसके अंदर कोई भी एक सैंपल है उसे लोअर केस के अंदर जी के साथ में मैंने किया ठीक है बस समझ आ रही पहले हमने इसे सिर्फ जी कह दिया था अब एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से लिख देंगे ठीक है फॉर एग्जांपल है आगे इंप्रेशन आएगी उसके अंदर यूज होगा प्रश्न में अच्छा जी ये समझ आ रहा है जनरेटर ये जनरेटर है इसको मैं z एक इनपुट दूंगा ये क्या है थीटा वन से बता सकते क्या है इसके अपने w और इसके अपने b w एंड b इसके अपने पैरामीटर जिनको यूज करके ये कुछ प्रेडिक्शन करेगा अच्छा जी अब ये प्रोड्यूस होने वाली प्रोबेबिलिटी को हमने एनवीओ या सैंपल प्रोड्यूस हुआ और इस प्रोबेबिलिटी को हमने नाम दिया था लास्ट टाइम कहा डी डैश लेकिन अब यहां पे आप क्या शो कर रहे बड़ी तवज्जो से देखिए पी जी ऑफ एक्स अच्छा इंपॉर्टेंट बात एक्स पहले जी लिखा था यहां एक्स क्यों कह रहे हैं बेसिकली हम चाह रहे हैं कि ये जो आउटपुट आएगा ये एक्स के बहुत करीब हो इस वजह से हम एक्स लिखा लेकिन ऐसा नहीं है जी इसे में रखना है ठीक है ये बात समझ आ रही है ठीक है यानी यहां पे जनरेटेड जी ऑफ सी हम चाहते हैं बहुत क्लोज आ जाए इसके जनरेटेड सेंटर बिकॉज़ ऑफ दैट यहां पे लिख दिया एक्स ठीक है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका जनरेटर का कि ये जो प्रोड्यूस की जी प्रोबेबिलिटी है ना इसको हमने जी ऑफ पी जी ऑफ एक्स का है ये बहुत करीब हो जाए किसके पी डेटा ऑफ डी ये समझ आ रही है स्टेटमेंट इसलिए हम इसे ले लाते हैं d d d को मैंने ये कह रही है d डैश को मैंने ये नाम ये क्लियर है ठीक है बाकी सब कुछ और आई होप सो इस बाकी चीजें कोई ऐसा मुश्किल नहीं आता समझ आ गई ठीक है ये बात समझ आ गई d f x हमेशा आउटपुट क्या देगा 0 और 1 के दरमियान की प्रोबेबिलिटी आउटपुट देगा सही है सिग्माइड लगाया हुआ है ना उसमें 0 और 1 के दरमियान अच्छा जी अब जरा हम असल बात ले आते हैं असल बात क्या है अच्छा जी मैं सारी चीजें के बारे में बता रहा हूं सब क्या है चलिए लॉस फंक्शन जेड डिसिमेटर का लॉस क्या होगा और जेनरेटर का लॉस क्या ठीक है और उसके बाद लेक्चर में फाइंड करते हैं जी जी साहब इसको पहले हम यहां पे लिखते हैं लॉस से व्हाट फंक्शन यूज किया है ठीक है जेनरेटर के लिए और डिसिमेटर के लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूटर की आउटपुट है वो एक इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो है ही है जनरेटर के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटर की आउटपुट है इसका मतलब सी के लॉस के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है देखिएगा हमारा कौन सा फंक्शन है जी मल्टी क्लास में हम क्या यूज करते हैं हम मल्टी क्लास में मल्टी क्लास फंक्शन जो भी है ना अच्छा इसके साथ माइनस साइन ही लगाएं ठीक है ना लगाए आप फिर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या करना होगा इस वाले फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज करना होगा माइनस लगाया तो हम इस वाले फंक्शन को क्या कर देंगे मिनिमाइज कर ठीक है अच्छा जी आप जरा देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर की मेरी बात डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लॉस फंक्शन क्या होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिए y जब y इज इक्वल टू 0 हो ठीक है y इज इक्वल टू 0 तो आप क्या चाहते हैं y is equal to 0 y is equal to 0 क्या मतलब b of हाँ जी y is equal to 0 y hat क्या ठीक नहीं तो मुझे सिंपल सिंबॉलिकली बताएं वो क्या जी जी आप ये जीरो होगा जब इनपुट किस डिस्ट्रीब्यूटर को इनपुट किस तरफ से जाएगा जनरेटर की तरफ से अच्छा इसे मैं क्या कहता हूं जी जी आप जी आप ऐसे कहते ठीक है ये बात समझ आ रही ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें हां ये पुट करेंगे तो क्या होगा d ऑफ g ऑफ c कॉमा 0 दिस इज इक्वल टू हां जी ये वैल्यू क्या होगा 0 हां जी ये वैल्यू क्या आ जाएगी
जी वन माइनस जीरो ठीक है log of वन माइनस वी ऑफ क्लियर जी ये मैंने किसके लिए लिखा y इज इक्वल टू और अभी मैंने स्टूडेंट भी कहा जी नेक्स्ट चले शाबाश नेक्स्ट जी जी y इज इक्वल टू वन प्रिडिक्शन क्या होगी d ऑफ हाँ जी सॉरी y इज इक्वल टू वन डी ऑफ x पुट कर दें जी लॉस क्या हो जाएगा d ऑफ d ऑफ x कामा वन हाँ जी ये वाली टर्म जीरो हो गई और यहां पे क्या आ गया log ऑफ d ऑफ x ठीक है ये दो टर्म आ गए अच्छा अब जरा ना इसका ना ग्राफ ड्रा कर लेते हैं अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं ना ये पहले भी हमने किया हुआ है पहले ये इस तरह से करके आएगा इसके आउटपुट क्या आनी है हमेशा डिसिमीटर के आउटपुट क्या आनी है हमेशा ही जीरो और वन के दरमियान आनी है तो मैं जस्ट जीरो और वन के दरमियान ये नजर आ रहा है आपको यहां पर ये वन और जीरो के दरमियान यानी कहने का मतलब क्या ये मेरा है डी ऑफ एक्स ये मेरा क्या है डी ऑफ एक्स और ये जो मेरी कर्व है ये क्या है दिस इज लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स ये समझ आ रही कि नहीं बात यानी कि जस्ट मैंने क्या किया है ग्राफ ड्रा किया है किसके दरमियान डी एक्स के दरमियान और लॉग ऑफ यानी कि वर्टिकली मेरा क्या है log of d of x अभी मैं इसकी बात कर रहा था ये वाले लास्ट में ठीक है ये इसे मैं नाम दे देता हूं दिस इज a दिस इज इक्वल टू b तो मैं b की बात कर रहा हूं b का ग्राफ ड्रा करूं तो ऐसा नजर आता है बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने बड़ी अहम बात करें ना यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें डिस्कस हो समझ आ गई बस आखिरी एक बात है अगर ये बात समझ आ गई तो सारा ज्ञान की असल कहानी समझ आ जाएगी देखें जी अगर dx की वैल्यू होती है इसको देखें पहले सबसे पहले dfx की वैल्यू आ जाती है किसके बराबर 1 के बराबर ठीक है dx की वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है तो लॉस क्या आएगा हमारा ये लॉस है ना ये लॉस है टर्म यानी क्या मतलब मैं dx की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आंसर आएगा log ऑफ 1 क्या होता है जीरो सही है तो लॉस क्या आ गया जीरो इट्स फाइन ये देखे ना इस कर्व के नीचे आऊंगा तो लॉस बढ़ना शुरू होगा ना अगर यही रहूंगा मतलब मेरी इनपुट भी वन और आउटपुट भी वन आ गई तो लॉस क्या आ गया जीरो इसे का भी लॉस क्या है जीरो लेकिन जैसे ही मैं लॉस मेरा डीएक्सी वैल्यू जो है वो जीरो आती है फॉर एग्जाम्पल ठीक है यानी कहने का मतलब क्या है लेबल वन है आउटपुट क्या आती है आउटपुट जीरो आती है तो लॉस क्या आएगा लॉस बहुत बड़ा आएगा ऐसे ही ना मैं इन्फिनिटी माइनस इस तरफ जाऊंगा नीचे एक बहुत बड़ा लॉस ठीक है ये बात समझ आ रही है लॉस क्या आएगा बहुत बड़ा अब मैं करना क्या चाहता हूं यहां पर लॉस को मैं इस वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहा हूं या मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं ये बड़ी तवज्जो सुनिएगा मिनिमाइज करने से मतलब क्या मैं नीचे की तरफ मूव करना चाह रहा हूं मैक्सिमाइज करने से मतलब क्या है मैं ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहा हूं जी बताएं शाबाश मैक्सिमाइज करना चाह रहे हम चाहते हैं हमेशा आउटपुट क्या रहे इसकी ये वन ही रहे ठीक है हम क्या चाहते हैं लॉग ऑफ डी एक्स की वैल्यू जो है ना वो जीरो ही आउटपुट हो हम हमेशा यही चाहेंगे तो वो जीरो कब आएगी जब ये इस वैल्यू को मैच करेंगे यहां पे लॉस क्या आएगा जीरो तो वी वांट टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन ये दिन में रहना बड़ी तवज्जो से ये बड़ी अहम बात थी दोबारा से इस बात को देखें अगर मैं ना अब ये वाला ए पार्ट देखें अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं ना ये क्या है बेसिकली हॉरिजॉन्टली मैं लेता हूं
डी ऑफ जी ऑफ एक्स और वर्टिकली मैं ड्रा करता हूं क्या लॉग ऑफ वन माइनस डी ऑफ जी ऑफ जी को, तो ये कर पता कैसे करके आएगी, ये इस तरह से करके आएगी। क्या मतलब, हमें आउटपुट क्या चाहिए, जीरो और वन के दरमियान आउटपुट चाहिए ना, ठीक है, जीरो और वन के दरमियान आउटपुट चाहिए। बड़ी तवज्जो से देखिएगा प्लीज इस बात को। अब दोबारा से इस वाले फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें, देखें जरा हमारा लेबल है क्या, बड़ी तवज्जो से देखिए, लेबल है जीरो, हम चाहते भी क्या है, यहां पर आउटपुट क्या आए, जीरो ही आए। अब अगर ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें आप लॉग ऑफ वन माइनस जीरो, आउटपुट ये आएगी जीरो। अगेन हम क्या चाह रहे हैं कि ये जीरो यही आनी चाहिए, इनके लेबल हमारा अगर जीरो है तो आउटपुट भी हम जीरो ही चाहते हैं, तो वो कहां मुमकिन है, देखिए जरा वो कहां पे मुमकिन है, डी एफ जी एफ की वैल्यू क्या चाह रहे हैं हम, कहां जीरो आ रही है, वो इस फंक्शन पे यहां पे आ रही है, इस फंक्शन के ऊपर देखें तो वो यहां पे करके आ रही है, तो हम क्या चाह रहे हैं, ये ओवरऑल फंक्शन क्या बिहेव कर रहा है, ये फंक्शन तो इस तरह, ये फंक्शन असल में सिर्फ इतना है यहां से लेके यहां तक इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिट माइनस इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, दोबारा से देखें मैक्सिमाइज, इसकी मिनिमम वैल्यू किस तरफ होगी, इस तरफ, ये देखें ना माइनस वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी की तरफ सिर्फ मूव कर रहे हैं ना, बड़ी वैल्यू तो इस तरफ आएंगी ना, यहां माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस इन्फिनिटी, तो हम क्या चाह रहे हैं, यानी कि जीरो रहे, तो मैक्सिमम वैल्यू हम चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज ए एंड बी, यानी कहने का मतलब क्या, अब ये जनरेटर का जो है ना, जनरेटर का जो लॉस है, लॉस फंक्शन, उसका क्या लॉस फंक्शन होगा, इस बात को गौर से देखिएगा जी, उसको मैं लिखने लगा हूं, वो क्या होगा, पहली टर्म ये लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस ये ए टर्म को मैंने लिखी है, दूसरी टर्म कौन सी है, लॉग ऑफ वन माइनस डी ऑफ जी ऑफ सी, इस टर्म को हम करना क्या चाहते हैं, बड़ी तवज्जो से देखिएगा, इस टर्म को हम करना क्या चाह रहे हैं, मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये बात समझ आ रही है जी। अच्छा जी, ये मैंने बात की है किसकी, ये मैंने बात की है डिस्क्रिमिनेटर की, ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी जी, जनरेटर की, हाँ जी, वेरी सिंपल आइडिया, क्या करना है जी, ये मैं ये मिटा दूं कि रहने दूं, चले जनरेटर, जनरेटर के लिए क्या है, y इज इक्वल, बड़ी तवज्जो से प्लीज, y हैट इज इक्वल टू d ऑफ g ऑफ z, और हम चाहते हैं ये आउटपुट क्या आए, दिस इज इट शुड बी इक्वल टू वन, यही चाहते हैं ना, अच्छा तरह देखिएगा, लेकिन हमें पता है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो असल लेबल है ना, असल लेबल ट्रेन तो हमने उसे ट्रेनिंग के लिए तो हमने उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेबल रखा है वन, लेकिन असल में जो लेबल है ना वो क्या है, वाई इज इक्वल टू, वो तो जीरो ही है। अब ये वैल्यू अगर आप इसके अंदर पुट करें तो लॉस क्या बनेगा, लॉग ऑफ डी ऑफ जी ऑफ जी इज इक्वल टू, हाँ जी, वन वन माइनस जीरो लॉग ऑफ वन माइनस डी ऑफ जी ऑफ जी, ठीक है। और अगर दोबारा से मैं इस वाले ग्राफ को ड्रा करूं तो वही तो थोड़ी देर पहले हमने ड्रा किया था, ये क्या है, हमें चाहिए सिर्फ जीरो और वन के दरमियान, ये वाली टर्म, ये वाला साइड हमें नहीं चाहिए, इसे इग्नोर करते हैं हम, जस्ट अगर इस पे फोकस करें, बड़ी तवज्जो से प्लीज, यानी कि ये मेरी साइड क्या है, डी ऑफ जी ऑफ जी, और वर्टिकली साइड क्या है मेरी, लॉग ऑफ जी
1 माइनस d ऑफ g ऑफ z। बड़ी ही तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने। देखिए जी हम चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आ जाए, ये वैल्यू क्या आ जाए जी, हम क्या चाह रहे हैं इसकी। यहां मैंने कामा कामा रखा जी, जी क्या चाह रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है जी, शाबाश, log ऑफ 1 माइनस 1, ठीक है। तो क्या आउटपुट आएगी, log ऑफ 0 क्या होता है, क्या log ऑफ 0, log ऑफ 0 इन्फिनिटी, ठीक है, log ऑफ 0 इन्फिनिटी ना, ठीक है। अब जरा देखें यहां पे क्या है, देखें आउटपुट क्या चाह रहे हैं हम, बड़ी तवज्जो से प्लीज, आउटपुट क्या चाह रहे हैं हम, वन आए, ये वन है, लेकिन लॉस क्या आप देखें, लॉस के कॉन्टेक्स्ट में यानी कि इस वाले फंक्शन को हम क्या करना चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं जी। शाबाश, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी, हम चाहते इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू सॉरी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू क्या है, जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं मिनिमम, ये है इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहे, एक बहुत बड़ा नेगेटिव नंबर की तरफ मूव कर रहे, ठीक है, एक बहुत बड़े नेगेटिव नंबर की तरफ मूव करना चाह रहे हैं जी। क्या चाह रहे हैं, इस फंक्शन को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं या मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं जी, हुँ? जी क्या करा ना, ये देखें जरा मैक्सिमम वैल्यू, तो देखें जरा जी दोबारा, मैक्सिमम वैल्यू तो यहां पे है, मैक्सिमम वैल्यू तो यहां इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे है, मैं जस्ट ये फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ सी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ रही है जीरो, ठीक है ना। और आगे अगर आप मूव करते हैं तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, और आगे जाते जाएंगे तो यहां पे क्या आएगा, बहुत ही मिनिमम वैल्यू। जब बहुत मिनिमम वैल्यू होगी, जो इसकी बहुत मिनिमम वैल्यू होगी, तो लॉस क्या होगा, लॉस क्या होगा, इन्फिनिटी होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जस्ट सोचें, इस फंक्शन को हम मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, इस तरफ जाना, मैक्सिमाइज नहीं करना चाह रहे। अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करूंगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ जी क्या होगी, वो जीरो हो जाएगी, वो तो नहीं हम चाह रहे। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं डी एफ जी की वैल्यू क्या है, वन आए। जब मैं वो वन पुट करूंगा तो लॉग लॉस की वैल्यू क्या आएगी, वो बहुत बड़ा नंबर आएगा, वही चाहते हैं। तो वो कहां पे आएगा, वो इस फंक्शन के जी, वो इस फंक्शन के मिनिमम पे आएगा, वो इस फंक्शन के मिनिमम पे आएगा, मैक्सिमम तो इसका ये वाला है। तो इस वजह से हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को जनरेटर के लिए क्या करना है, हमने इसे मिनिमाइज करना है। तो अब देखें बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अब ये टर्म क्या हो गई, जनरेटर के लिए क्या है, बड़ी तवज्जो से, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ सी। ये डिस्क्रिमिनेटर के लिए थी, ये जनरेटर के लिए। अब जरा ना लोगों ने कंपैक्ट करके दोनों को एक ही फॉर्मूले के अंदर लिख लिया, एक ही फॉर्मुलेशन के अंदर लिख लिया, कैसे करके, जरा बड़ी तवज्जो से देखिएगा। मैं जनरेटर के लिए ये टर्म लिखूं, यहां पे जी नजर आ रहा है ना आपको, इसके साथ मैं अगर ये टर्म ऐड कर दूं, प्लस लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स, और इसके बाद लिख दूं क्या, मिनिमाइजेशन, क्या यहां जनरेटर का कोई रोल नजर आता है आपको, इसके अंदर, इस टर्म के अंदर जनरेटर है नहीं, जनरेटर तो सिर्फ यहां पे है। तो अगर मैं ये ऐड भी कर दूंगा कोई मसला नहीं, क्या मतलब, जस्ट फॉर कंप्लीटनेस मैंने इसे यहां पे ऐड किया और इन दोनों को मिला के मैंने एक लिख लिया, कैसे करके, अब देखिए जरा, जस्ट अब लॉस फंक्शन क्या, लॉग ऑफ डी ऑफ एक्स प्लस log of 1 माइनस डी ऑफ जी ऑफ जी। बड़ी तवज्जो से प्लीज, इसी फंक्शन को हम मिनिमा, इस फंक्शन को हम पहले मैक्सिमाइज करेंगे, किसके लिए,
डिस्क्रिमिनेटर करिए, और इसी फंक्शन को फिर बाद में हम मिनिमाइज करेंगे किसके लिए, दिस इज अ लॉस फंक्शन ऑफ गेन। ठीक है। अच्छा, अब ये जो भी मैंने आपको बताया ना, जस्ट एक ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरेस्पॉन्टेक्स्ट में बताया था, यहां हमने कोई मीन की बात नहीं की, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि सारी ट्रेनिंग एग्जांपल के कॉरेस्पॉन्डिंग इसका लॉस क्या हो जाए। तो लोगों ने फिर क्या किया जी, ऐड कर लिया। कौन सी वाली, वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ई को यहां पे ऐड किया, एक्सपेक्टेशन दिस इज इक्वल टू सम जनरेटर एंड डिस्क्रिमिनेटर, ये लॉस फंक्शन हो गया। यस मार्कर, एक्सपेक्टेशन ये इसको सैंपल कहां देना है, एक्स वी आर गिविंग अ एक्स सैंपल दैट इज बिलोंग टू पी, हाँ जी पी डेटा ऑफ एक्स, याद है मसल ये एक्सपेक्टेशन है किसके लिए, यहां पे हम एक एक सैंपल निकाल रहे हैं कहां से, पी डेटा ऑफ एक्स से, एक्स इज बिलोंग टू पी डेटा ऑफ एक्स। अच्छा जी, और यहां पे एक्सपेक्टेशन दोबारा से लगाते हैं, यहां पे हमने जीक जो है वो हम सैंपल निकाल रहे हैं कहां से, पी, हाँ जी क्या नाम दिया था, पी जी ऑफ स्मॉलर एक्स, दैट्स इट। ये जनाब एवरेज जो है ना बेटी, ये फॉर्मुलेशन होप्स हो के ऐसे ही है, और मैंने यहां पे ये लिखी जी, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी सैंपल फ्रॉम पी जी ऑफ जी, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज सैंपल फ्रॉम पी डेटा ऑफ एक्स, बस। तो जनाब ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने मिनिमाइज करना है। अच्छा, लोग ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, जैसे यहां पे मैंने शो किया है आपको, इसको कहते हैं दिस इज इक्वल टू वी डी ऑफ, ये पेपर के अंदर ऐसे ही नोटेशन यूज की है, मिन ऑफ जी एंड मैक्स ऑफ। तो जनाब ये फंक्शन है जिसे हमने, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके अंदर कुछ मसले मसाइल हैं, उसे वो क्या है वो डिस्कस करेंगे, और साथ में आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज इस वाली चीज को, मिन और मैक्स वाली टर्म को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड आपने करना है, एक तरह वीओली ग्राफ बना के देखना है, और देन ओके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके साथ ही लेक्चर वाइंड अप करते हैं, कोई सवाल है तो प्लीज आप कर लीजिएगा, ठीक है, अभी कर लें या क्लास के बाद कर लें।